तो लास्ट क्लासेस में हमारा आपके साथ रिसर्च ये हुआ था कि हम चाहते थे कि हर एक तीन कॉलन के बाद एक नया रो इंसर्ट हो, ठीक है। तो अब एक रो इंसर्ट करना है तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन हर तीन के बाद एक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम यहां यहां पे तीन बार दो वन लिखेंगे, तीन बार दो लिखेंगे, और फिर इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। सॉरी, ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पे इक्वल इस पर पे प्लस वन कर दीजिए, अगर दिक्कत है तो प्लस वन नीचे तक हम ड्रैग कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वन एक बार, दो तीन बार, हर नंबर तीन तीन बार रिपीटेड है हमारा, ठीक है। उसके बाद पहले मैं इसको कॉपी करके एंड वैल्यू पेस्ट करता हूं ताकि इसकी जो सीक्वेंस वाली फॉर्मूला है जिसको प्लस किया है वो फॉर्मूला हट जाए। और मैंने देखा कि हाईएस्ट 35 है, तो यहां पे हम वापस सीक्वेंस देंगे 35 तक, तो 35 तक का नंबर होगा। ज्यादा हो गया, कम करते हैं, ठीक है। अब मेथड क्या है सुनिए, कि यहां पे सीरियल नंबर तीन बार है और नीचे एक है, तो तीन में डेटा है, एक में ब्लैंक है। जब इसको हम शॉर्ट करेंगे तो ये ब्लैंक रो उठ के ये तीन के नीचे यहां आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। समझे कंसेप्ट? कंसेप्ट को समझ में आया अरुण जी, अजय जी, पंकज जी? कोई डाउट? हेलो। हाँ जी, हाँ सर, मैंने भेज एक दिया बार था मेल दोबारा। आपको, उसी दिन भेज दिया था सर से मेल। हेलो चलिए, हाँ हेलो, नो डाउट सर, सुन रहा हूँ, और सुन रहा हूँ क्लियर। सर। हेलो हेलो, सुन कर रहे हैं। एक बार दोबारा बताइए सर। मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले सीक्वेंस नंबर जनरेट किया। मुझे हर तीन रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है ना, तो हाँ जी मैं सर, यहाँ पे जो मैं जो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर दूंगा वो दूंगा कि हर तीन डिजिट के बाद, हर तीन रो के बाद एक ब्लैंक रो होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे हर नंबर को तीन बार रिपीट करेंगे डेटा के अंदर। फिर जहां डेटा खत्म हो जाएगा तो मैं देखूंगा कि मैक्सिमम कितना बार नंबर हमारा हुआ है। तो मैंने देखा 35 तक हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां पे एक से लेके 35 तक नंबर डाल दूंगा जो कि सिर्फ एक बार रहेगा, समझ गए। ठीक है, एक से 35 ठीक तक है। नंबर डालूंगा जो एक बार रहेंगे। फिर मैं क्या करूंगा, सबसे पकड़ूंगा और इसको शॉर्ट कर, सिलेक्ट किया और हमने इसको शॉर्ट कर, कस्टम शॉर्ट। हमने बोला सीरियल नंबर हेलो हेलो और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हेलो। हाँ, फोन नहीं, वो मैसेज किया था मैंने आपको, मेरे सर से बात हो गई, प्लीज सर कांटेक्ट म्यूट कर में कर पाए। लीजिए। तो यहां देखिए, हर तीन रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हुआ। ठीक है। अब दूसरा चीज आता है कि मुझे ये ब्लैंक रो डिलीट भी करने हैं, मुझे इस ब्लैंक रो को डिलीट करना है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग फिल्टर लगाया करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि फिल्टर से करें। क्यों? क्योंकि अगर फिल्टर से आप करते हैं तो पीछे के डेटा डिलीट होने के चांसेस है, अगर नहीं भी है तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो यू कैन अप्लाई द शॉर्ट, यहां पे कस्टम शॉर्ट, फुल नेम, किसी एक के अकॉर्डिंग शॉर्ट कीजिए। तो आपका जो ब्लैंक रो है वो डिलीट नहीं होगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आप बात करते हैं एक अदर एग्जाम्पल की। अब मेरे पास एक डेटा आया करता था यहां पे,
जैसे कि नेम, और यहां पे मुझे प्रोडक्ट या डे समझ लीजिए उसका डेटा होता था इस तरह से। ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन फिलहाल तो मैंने कम किया। और मैं इस पे राइट क्लिक रन बिटवीन, मैं यहां पे नंबर देता हूं और इसको सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल आर एंड कंट्रोल डी कॉपी किया और इसके अंदर हम वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि हर एक रो के कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है और उस पे मुझे परसेंटेज देना है और फिर इसको मुझे हर नंबर को 70 से डिवाइड करना है। अब एक एक करेंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, हम नहीं चाहते कि एक एक करें, इसलिए हम इसको ऑटोमेशन करते हैं। हम ऊपर एक रो इंसर्ट करेंगे और यहां पे 1 2 लिख देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं एंड ऑल्सो भी ड्रैग, इसको हमने ड्रैग किया, देन इसको कॉपी करते हैं और वापस यहां पे इसको हम पेस्ट करते हैं और हम पूरे डेटा को सेलेक्ट करते हैं और हम यहां कस्टम शॉर्ट में जाते हैं एंड कस्टम शॉर्ट में हमारे पास हुआ यहां पे इसमें जाएंगे ऑप्शंस में, तो यहां पे जाता है शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम तो डिफॉल्ट होता है, ये हमारा लेफ्ट टू राइट है एंड ओके किया और मैं यहां रो 1 के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर लिया। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया हमारा। लेकिन हम छोटी सी एक दिक्कत कर दिए कि इसका हेडिंग परसेंटेज नहीं डालें, तो शॉर्ट करने से पहले मुझे इसकी हेडिंग जो है वो भी डालनी पड़ेगी और इसको हमने सेलेक्ट किया कंट्रोल आर, नहीं मैं कंट्रोल आर नहीं, माफ कीजिएगा, शॉर्ट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे शॉर्ट कस्टम शॉर्ट एंड यहां पे हम रो 1 और ऑप्शन पे जाएंगे, शॉर्ट टू लेफ्ट देख लेता हूं एंड ओके। हेलो गुड इवनिंग, हाँ मनीष जी, फोन पे ही एक्सेल सीख जाएंगे, बुरा लग रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ब्लैंक सेल के अंदर में मुझे यहां पे करना है, तो गनीमत है कैसे करें, क्योंकि अब इसमें फॉर्मूला डालना है, फॉर्मूला डालेंगे तो भी दिक्कत है। तो हमने क्या किया यहां पे देखिए, मैं यहां पे 0 लिख देता हूं, ब्लैंक सेल छोड़ देता हूं। हमारे पास यहां फाइंड एंड सेलेक्ट में गो टू स्पेशल होता है, गो टू स्पेशल के अंदर में अगर आप आते हैं तो यहां पे आता है कि सिलेक्शन, मतलब कि इस डेटा में से क्या सिलेक्ट करना चाहते हो। तो एक बार इस पर नजर मार लेते हैं, जैसे कि कमेंट्स, कि जितने सेल्स में कमेंट है वो सेल सिलेक्ट कर दे, या कंटेंट्स मतलब कि जिसमें वैल्यू है और वैल्यू में नंबर टेक्स्ट लॉजिकल एरर, मैं बोलता हूं नहीं ऐसे वैल्यू सिलेक्ट करो जिसमें सिर्फ टेक्स्ट है, नंबर है तो नंबर को सिलेक्ट कर देगा, ब्लैंक मतलब कि जो ब्लैंक सेल है उसको सेलेक्ट कर लो। तो यहां पे मेरा जो पर्पस आ रहा है ब्लैंक सेल का आ रहा है, तो जैसे मैं ब्लैंक सेल कर दूंगा तो क्या करेगा, ओके करता हूं, तो इस सेल के अंदर जितने भी ब्लैंक्स है ना उसको इसने सेलेक्ट कर दिया।
अब मैं क्या करूंगा कि इक्वल दबाया और अपने डेटा को सिलेक्ट किया और डिवाइड बाई मैं कर दिया 50 या 70 जो भी है। फिर हम यहां पे नॉर्मल एंटर नहीं मारेंगे, क्योंकि नॉर्मल एंटर मारोगे तो नीचे आ जाएगा। मुझे यहां पे मारना है कंट्रोल के साथ एंटर। कंट्रोल के साथ एंटर मारा, देखिए आपका यहां पे आ गया। एक से होल्ड स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने, मैं दोबारा बताता हूं मैंने क्या किया, हमने दोबारा बताता हूं क्या किया। हमने यहां पे गो टू स्पेशल में गए और यहां पे हमने ब्लैंक को सिलेक्ट किया। इससे क्या हुआ कि हमारे डेटा में जितना ब्लैंक है वो सारा ब्लैंक सिलेक्ट हो गया। और फिर मैं ब्लैंक में भी आप टैब देखे, टैब चला सकते हो। तो हमने क्या किया, टैब मार के हम अपनी एक पोजीशन पे आ गए, 79 के पोजीशन पे। और मैंने क्या किया कि इसको डिवाइड किया 70 से, और फिर मैं नॉर्मल एंटर नहीं मारा, मैं यहां पे प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। माफ कीजिएगा, गलती हो गई सर, हमें करना है कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर क्या करता है पहले इसके बारे में जानिए। जैसे कि हमने सिलेक्शन है, इसमें भी हम कोई फॉर्मूला या डेटा टाइप कर सकते हैं। एंटर मारोगे तो वो नेक्स्ट में चला जाता है, नेक्स्ट सेल में। लेकिन अगर आप कंट्रोल एंटर करते हो तो जो टाइप कर रहे हैं उस सेल को कॉपी करके पूरे सिलेक्शन में पेस्ट कर देता है। तो यही बेनिफिट जो है हमारा यहाँ काम आया कि जितना यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे डिवाइड किया 70 से, तो जितना ब्लैंक हमारे सिलेक्टेड थे सबको ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं, जब फॉर्मूला कॉपी होके पेस्ट होता है तो सेल रो नंबर जो इसकी सेल का रेफरेंस है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, जिससे हर किसी पे उसका अपना खुद का फॉर्मूला लग गया। तरुण जी मैंने आपको मेल कर दिया है। हाँ जी सर, समझ गया सर? कुछ कह रहे हैं क्या तो सर? नहीं, आपको कुछ नहीं करा था। तो इसको हमने डिवाइड किया 70 से और एंटर मारा, तो बाकी सारे जगहों पे मेरा एक ही बार कॉपी पेस्ट हो गया। और ये फालतू के नीचे डेटा आ गया तो उसको हटा लेते। समझे? समझ में आ गया ना आपको सर? और फिर परसेंटेज का सिंबल भी अप्लाई कर दिए। उसके बाद हम ऊपर का जो फालतू में रो इंसर्ट किए थे इसको, और नीचे जो फालतू में सिलेक्शन हो गया उसको डिलीट कर दिया, और मेरा रिपोर्ट फाइनली रेडी है। समझे? तो यही जो सिलेक्शन मेथड है उसका भी एक अच्छा रोल है कि हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 करते हैं, और हम बीच में हम इसको राइट क्लिक करके अगर हमने इसको हाइड कर दिया तो अगर हम इसको कॉपी करते हैं तो पूरा डाटा कॉपी होगा। लेकिन मुझे नहीं, जस्ट विजुअल सेल्स को कॉपी करना है, तो हम इसको कॉपी करेंगे एंड राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, और इसमें हम कर देंगे, माफ कीजिए पेस्ट स्पेशल नहीं, क्या हुआ मेरा दिमाग लग रहा है, हम यहाँ कंट्रोल जी करके स्पेशल में जाएंगे और यहाँ करेंगे विजुअल सेल्स ओनली। विजिबल सेंस। तो सिर्फ विजुअल को सिलेक्ट करेगा एंड हम इसको कॉपी करके अपने लोकेशंस पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है? तो कंट्रोल बराबर में जो सिलेक्शंस है ये सिर्फ आपके सिलेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? तो मोस्टली मैंने होम मेनू की सारी चीजें खत्म कर दी।